Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेप्स। शेप्स यानी आकार, कौन सा किस आकार का है ये आपको जनरली पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक सीधी लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन। लाइन की स्पेलिंग है LINE, लाइन, LINE लाइन। ये शेप है ट्राइंगल। ठीक है, TRIANGLE ट्राइंगल अने त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। ठीक है, त्रिभुज में क्या क्या होता है, तीन भुजाओं वाला क्या क्या होता है, आप समोसा खाते हो। ठीक है, उनके भी कितने पैर होते हैं, 1, 2, 3, यानी तीन भुजाएं होती है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सामने की जो लाइन है वो सेम होती है, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है सेम रेंज की, और ये सामने वाली लाइने क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। RECTANGLE रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर पर। ठीक है, स्क्वायर की स्पेलिंग है SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स क्या होगा, आयत, मतलब इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल मतलब गोलाकार का। ठीक, CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल। ठीक है, सर्कल आकार का आपने देखा होगा, आपकी मम्मी रोटी बनाती है। ठीक है, वो कौन से आकार की होती है, गोल आकार की। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको क्या करना है, मैंने शेप्स बना के रखे हुए, इसको आपको इधर भी शेप्स, दो ही साइड शेप्स बना के रखे, उनको आपको मैच करना है। ठीक है, जैसे ट्राइंगल को ट्राइंगल के शेप से मैच करना है। ठीक है, सर्कल को सर्कल से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से, स्क्वायर को स्क्वायर से, लाइन को लाइन से। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारी एक्टिविटी कंप्लीट करना है और शेप्स की स्पेलिंग को भी याद करना है। ठीक है, गुड बाय।